17 से बंद कर रहे हैं। अभी आपने घोषणा करी है कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह की चीजें होंगी तो आने वाले समय में और अभी से 18 परिषद से अपने संबंध अलग कर लेंगे, क्या कहना? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जो है यह आस्था का मेला है, पर्व का मेला है और हिंदू सनातन संस्कृति का मेला है। इसमें कोई एक दो व्यक्ति जो है न तो कोई समापन या न जो है निर्णय कर सकते। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आके घोषणा किए थे कि हम 30 तारीख को कुंभ मेले का समापन करेंगे। पूरा प्रशासन, यहाँ मेला अधिकारी, IG साहब, यह सब और आप सब पत्रकार भी जो है इसके साक्षी हैं कि 30 तारीख को मेला समापन होगा। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि अभी विश्व में कोरोना काल चल रही है, बीमारी चल रही है, उसका लोग पालन करें। लेकिन यहाँ कोरोना अगर फैलाया तो सन्यासी अखाड़ों में से ही ज़्यादा कोरोना फैलाया। हमारे बैरागी साधु संतों में कहीं कोई केस नहीं आया और गंगा माई से कृपा प्रार्थना करते हैं कि केस ना आवे। लेकिन ये लोग जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं तो ये अपने बयानों पे जो है बाज आवे और माफ़ी मांगे, नहीं तो वो समय अब जो है नज़दीक है, जो है समय नज़दीक आ रही है जो है इनसे दूर होने का। तो जो है आप लोगों से भी जो है खास विश्वास रखता हूँ और जो है यह देश दुनिया के पब्लिक से अनुरोध करूँगा कि 27 तारीख को जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए और जो है यहाँ हजारों लाखों की मात्रा में वैष्णव साधु संत जो है पड़ाव डालें। तो 27 तारीख को भव्यता और दिव्यता के साथ शाही स्नान होगा और गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए होगा। लेकिन जो माफी नहीं मांगते तब क्या करेंगे? माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उसका जो है जवाबदार हरिगिरी और नरेंद्र गिरी जी हैं और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग जो है उनसे अलग हो जाए। थोड़ा पीछे करो, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम तीनों अनि अखाड़े के श्री में निर्माणी अनि से धर्मदास जी महाराज, निर्मोही अनि से राजेंद्र जी महाराज और मैं अखिल भारतीय श्रीमद दिगम्बर अनि अखाड़े से, तीनों राष्ट्रीय अध्यक्ष तीनों अनि के, एक प्रकार से आपको बार बार यही बयान देंगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे वैष्णव धर्मों के धर्म के और हमारे वैष्णव संप्रदाय के संतों के साथ एक प्रकार का खिलवाड़ या ये कह के बैर निभाने वाली व्यवहार की नीति ये लोग अपना रहे हैं। और शुरू से जब से कुंभ शुरू हुआ है, कुंभ की बात शुरू तभी से अपनाने लगे, वृंदावन से भी अपनाने लगे, फिर यहाँ तम्बू न लगने देंगे, कुंभ न लगने देंगे, वहाँ तरक रहे। यानी जब जब जैसे जैसे मौका मिला इन्होंने हमारे हिंदू धर्म के आस्तिक जो क्या है हमारे वैष्णव साधु हैं तीनों अन्य अखाड़ों के संग जो साधु आते हैं उनके लिए कष्ट पहुंचाने का कर्म किया है। और ये इनका अंतिम दाव है कि इस प्रकार से जो है पब्लिक नहीं आएगी, प्रशासन बोझ मानेगा और मेला समाप्त कर देगा, ऐसा नहीं है। यह जो प्रशासन का मेला है केवल प्रशासन का ही नहीं है, देवताओं का है, संतों का है, तीनों मिलकर के ही घड़ी मौर देखते हैं, देवताओं को देखते हैं हम लोग, नहीं तो रोजना कुंभ न लगा ले सरकार, रोजना हमला लगा ले, वो घड़ी मौर देखा जाता है, वो देवता देखे जाते, देवता सम्मिलित होते और तीनों जो है का अनिया जो है और अखाड़ा परिषद बैठ करके और जो है सरकार बैठ करके निर्णय करते हैं। चारों स्नान होंगे, एक सन्यासियों का पहला होता है, वैष्णव नहीं नहाते, दो स्नानों में साथ साथ वैष्णव सन्यासी नहाते हैं, तीसरा स्नान केवल वैष्णव को होता, सन्यासी का नहीं होता। और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है वो 30 अप्रैल तक हमारे चलेगा, इसमें कोई भी नहीं डालेगा और हमारा पूर्ण होगा। हम प्रजा से कहते हैं खूब प्रेम से आइए जाइए और प्रशासन से कहते हैं खूब व्यवस्था कीजिए, पत्रकारों से कहते हैं खूब प्रचार कीजिए और खंडन कर दीजिए इसका। न मेला अधिकारी सहमत है, न हम सहमत है, न तीनों अनि सहमत है। ये लोग जो बयान दिए हैं, हम बयान तो पढ़ा नहीं लेकिन पेपर में आया है कि क्या क्या लिखे हैं कि हम मेला समाप्त करते हैं। वो अपना मेला समाप्त करना होता तो अपने घर में करे, बैठे करे न करे, ये सामूहिक मेला है, देव मेला है, इस देव मेला के इनको समाप्त करने का अधिकार नहीं है। ये गलत कार्य वो लोग कर रहे हैं, इसलिए 30 अप्रैल तक ये मेला चलेगा, निर्विघ्न रूप से चलेगा। हमारे सरकार से अनुरोध है कि पब्लिक को आने दिया जाए मेला में, अब बढ़िया से मेला करें। ये एक बात रहा कि कोरोना इस देश में नहीं रहेगा, इसके लिए यज्ञ भी हो रहा है, पूजा पाठ सभी साधु जुटे हुए हैं कि देश में शांति और कोई भी प्रकार के रोग व्याधि से मुक्त देश पावे।